चीनी यात्री ह्योनसांग के यात्रा संस्मरण में भी जालंधर, कुलूत, शतद्रु, लद्दाख आदि का वर्णन तो आया है, परंतु कनैत का उल्लेख कहीं है नहीं। हालांकि जो लोग वहां उस समय उसके देखने में आए, उनका चित्रण उसने पूरी तरह किया है। वह लिखता है कि कुलूत के लोग साधारण रूप रंग वाले और कठोर हैं, जिनमें भारी संख्या में गले में गिल्हड़ या सूजन वाले देखे गए हैं। वे प्रकृति से कठोर और भयानक हैं। स्पष्ट है कि कठोर और भयानक लोग बहुत अच्छे नाचने वाले नहीं हो सकते, और अच्छे नाचने वाले सुंदर लोगों से इस चीनी यात्री का वास्ता नहीं पड़ा होगा। इसके बाद का अधिकतर ऐतिहासिक अभिलेख इस संबंध में खामोश है। 15वीं-16वीं सदी ईस्वी में जब भारत वर्ष पर मुसलमानों का राज्य था, तब खेती बाड़ी करने वाले लोगों को जमींदार कहा जाने लगा। यहां तक कि मुगल बादशाहों ने राजाओं को भी अपने शाही फरमानों में जमींदार कुल्लू लिखकर संबोधित किया है। जमींदार शब्द ही उर्दू भाषा का है जो उस समय प्रचलित था। कहावत है कि जिसका राज उसका तेज, और इसी के अनुसार मुसलमानी लिबास और भाषा का भी प्रभाव दूर दूर तक फैला। इससे पहले जमीन के मालिक को संभवतः भूमिय कहा जाता था। कुल्लू के एक बहुत पुराने लोकगीत में भूमिया साई का वर्णन आया है। संभवतः उसी मुसलमानी दौर के समय से कुल्लू की अधिकतर आबादी, जो मूल रूप से कनैत थे, अपने आप को जमींदार कहने लगे, और बहुत अब भी कहते हैं। जमींदार और कनैत पारस्परिक एक बन गए। कई लोग तो अपनी जात भी जमींदार बताते। जमींदार का अर्थ होता था कनैत, और कनैत का भावार्थ जमींदार। 16वीं-17वीं सदी तक यही बात रही। पंजाब पर सिखों के शासन काल में अधिकतः अफरा तफरी ही रही। हाँ, 1846 में जब ट्रांस सतलुज पैक के तहत यह इलाका अंग्रेजों के पास गया, और उसके बाद जो पहला बंदोबस्त हुआ, उसमें सरकारी तौर पर माल के रिकॉर्ड में शब्द कनैत को जात के खाने में दर्ज किया गया। जम्मू किश्तवाड़ के इलाके से लेकर गढ़वाल तक की 60% आबादी ये कनैत लोग ही थे। पंजाब जनगणना रिपोर्ट 1911 खंड 14 भाग पहला पृष्ठ 461 में शब्द कनैत को संस्कृत के शब्द कनिष्ठ से बिगड़ा हुआ बताया गया है, जिसका अर्थ है छोटा। इसे यह सिद्ध होता है कि ये व्याख्या उन लोगों के बारे में की गई है जिन्हें बरादरी में छोटे दर्जे के समझा गया, और उन्हें राजपूतों की संतान बताया गया, जिन्होंने स्थानीय तौर पर कई विवाह किए, जैसा कि कुल्लू के राजाओं के बारे में ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। और इस विचार के गलत होने का उत्तर भी साथ ही दिया गया है। जहां तक शब्द कनिष्ठ से कनैत बनने का संबंध है, इसमें शक नहीं कि शाब्दिक रूप में दोनों शब्द आपस में काफी निकट आते हैं। यद्यपि जो व्याख्या उक्त पंजाब जनगणना रिपोर्ट में की गई है, वह सर्वदा दुरुस्त नहीं मानी जा सकती। यदि शब्द की बनावट से ही कनैत शब्द का आधार ढूंढना हो, तो कनैत शब्द को कनिष्ठ से बिगड़ा हुआ भी माना जा सकता है। शक संबत के प्रवर्तक राजा कनिष्क की राज्य सीमा 1वीं सदी ईस्वी में काशगर यारकंद से लेकर अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब, बनारस तक फैली हुई थी। इस प्रकार हिमालय के सारे इलाके में भी कनिष्क का राज्य रहा है। हो सकता है कि कनिष्क की इस पहाड़ी जनता का नाम, जिसमें कुषाण आक्रमणकारी भी शामिल होंगे, कनिष्क शब्द के आधार पर कनिषेत कहा गया हो, जिससे बिगड़कर शब्द कनैत बना हो। इस विचार को आधार मानकर भी खोज आगे बढ़ाई जा सकती है। पंजाब में जनगणना की इसी रिपोर्ट के पृष्ठ 25 में कनैत आबादी का विस्तार जिला अंबाला, शिमला, कांगड़ा, होशियारपुर, नाहन, मंडी, सुकेत, पटियाला और शिमला रियासतों तथा शिमला की छोटी बड़ी रियासतों में बताया गया है। पुरातत्व विभाग की सर्वे रिपोर्ट खंड 25 पृष्ठ 146 में जनरल कनिंघम ने कनैत बरादरी का कुलिंद या कुनिंद जाति के लोगों से संबंध बताया है।
इसमें संदेह नहीं कि वृहत संहिता के जिस श्लोक संख्या 30 का हमने पीछे उल्लेख किया है उसमें कुनट, खश और खौश जातियों के साथ कुनिंद जाति का भी वर्णन है और जनरल कनिंघम का भी इशारा इसी ओर है, जिसे वह कुनिंद या कनैत जाति को भी उसी बड़ी खश जाति का ही भाग मानता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हिमालय की तराई में अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में जो कुनिंद या कुलिंद लोग रहते थे और जो सांस्कृतिक रूप में कुछ आगे बढ़े हुए थे, लगभग उसी तरह के लोग ऊंचे पहाड़ी भागों में कनैत कहलाए, जो सांस्कृतिक रूप में कुलिंदों से किसी कदर घटिया होंगे। ये बात भी विश्वसनीय है कि होशियारपुर और कांगड़ा जिलों में जिन्हें बाहती और चाहंग कहा जाता है, उसी प्रकार की बरादरी को कुल्लू और ऊपर के सारे पहाड़ी इलाकों में कनैत कहा गया। यद्यपि कई विद्वानों ने कुल्लू को कुलिंद से बिगड़ा हुआ कहा है, परंतु जनरल कनिंघम की रिपोर्ट से साफ स्पष्ट होता है कि चीनी यात्री ह्यूनसांग के अनुसार कुलिंदस या कुनिंदस एक बहुत बड़ा राज्य था जिसका विस्तार 1000 मील था। पूर्व में गंगा, उत्तर में पहाड़ और यमुना इसके बीच में बहती थी। बहुत सारा कनैत आबादी का इलाका इसमें आता था, जिससे सिद्ध होता है कि गंगा और यमुना के दामन में मैदानों तक कनैत लोग बहुसंख्या में आबाद थे। इसी कुलिंदस के इलाके में ही अमोघ भूति राजना कुलिंदसा के बेशुमार सिक्के मिलते हैं। एटकिंसन ने अपनी पुस्तक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट 1882 खंड 2 पृष्ठ 355 में यूनानी इतिहासकारों के हवाले से भी यह सिद्ध किया है कि कुलिंद जाति के लोग व्यास, सतलुज, यमुना और गंगा के इलाकों में आबाद थे और ये वैसे ही लोग थे जैसे कि कनैत थे। महाभारत के सभा पर्व में भी कुलिंदों पर अर्जुन की विजय का उल्लेख आया है। इसी तरह विष्णु पुराण में कुलिंद घाटी का भी वर्णन आया है, जिसे उसने त्रिगर्थ अर्थात कांगड़े के पड़ोस में बताया है। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि कुलिंदस या कुनिंदस एक बहुत बड़ा राज्य जरूर था और उसमें कनैत जाति शामिल थी, परंतु शब्द कनैत कुनिंद या कुलिंद से बना हो इसके लिए कोई उचित कारण बनता नहीं, बल्कि कनैत एक अलग शब्द रहता है जिसके अनुसंधान के लिए संभव है अभी बहुत परिश्रम करना पड़े। श्री एम एस रंधावा अपनी पुस्तक फार्मर्स ऑफ इंडिया खंड 1 पृष्ठ 148 पर कनैत का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि ये लोग खेती बाड़ी करने वाली एक बड़ी बरादरी है जो इतिहास में बड़ा महत्व रखती है। ये कौन लोग हैं इसके बारे में कई भिन्न मत हैं। कुछ एक का विचार है कि ये उन प्राचीन आर्य आक्रमणकर्ताओं की संतान है जो हिंदू कुश की ओर से आए। कुछ और लोगों का कहना है कि इनकी वंशावली बहुत पुराने समय में हिमालय में आकर आबाद हुए राजपूतों से मिलती है। तीसरे विचार के अनुसार ये लोग उन राजपूतों की संतान हैं जिन्होंने मैदानों में आकर पहाड़ों की स्थानीय स्त्रियों से विवाह किया। और एक विचार ये भी है कि कनैत जो किसी समय राजपूत थे अपने भाइयों की विधवा पत्नियों से विवाह करने और परंपराओं को तोड़ने के कारण कुनीत कहलाए और फिर ऐसे लोगों की एक बरादरी बनती गई जिसे कनैत कहा गया। श्री रंधावा के अनुसार इस कनैत बरादरी में खश और राहु दोनों शामिल है। यद्यपि खश और राहु की अलग परंपराएं अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। कनैत लोगों के चरित्र के बारे में डॉक्टर रंधावा लिखते हैं कि प्रायः ये लोग ईमानदार, शांतिप्रिय और विधि का पालन करने वाले हैं। मिस्टर हैमिल्टन अपनी पुस्तक नेपाल के पृष्ठ 35 में लिखते हैं कि शिमला हिल्स में रहने वाले आधे से ज्यादा लोग कनैत हैं जो खश और खशिया से संबंधित है। उसने आगे चलकर लिखा है कि जब राठौर पहले पहल सिरमौर में आए तब खशों की दो बरादरियां भोट और कुनैत वहां आबाद थी। यदि कनैतों को पूर्व में खसिया या खासी बरादरी से और उत्तर पश्चिम में खसों या खशों से मिला दिया जाए तो प्रतीत होता है कि इस सारे पहाड़ी प्रदेश में सिंध से ब्रह्मपुत्र तक आबाद ये लोग
यहाँ के असल निवासी हैं और ये बहुत पहले इन घाटियों और वादियों के मालिक रहे हैं। मिस्टर हॉजस ने नेपाल की सैनिक कबायली बरादरियों का वर्णन करते हुए इस तरह लिखा है, खश और कनेत स्पष्ट रूप में उस मिश्रित नस्ल से हैं जो आदिवासी तातार माँ और आर्य बाप से पैदा हुए हैं। द लैंग्वेज लिटरेचर एंड रिलीजन ऑफ नेपाल पार्ट 2 पेज 37। और फिर लिखा है, मुसलमानों के आक्रमणों के कारण ब्राह्मण लोग नेपाल की ओर गए जहाँ उन्होंने पैर जमाए तथा स्थानीय रूप में विवाह किए। जो अच्छे खश और कनैत थे उन्हें संस्कारों के द्वारा राजपूत बना दिया गया। खश स्त्री और ब्राह्मण की संतान को भी क्षत्रिय घोषित किया गया। ये उन्होंने नेपाल के सिलसिले में लिखा है। परंतु यह भी प्रमाणित बात है कि मुसलमानी आक्रमणों के दौरान तो मैदानों से लोग पहाड़ों में सबोर घुस गए थे। हो सकता है कि इस तरफ का थोड़ा बहुत प्रभाव हिमालय की दूसरी वादियों में भी हुआ हो, परंतु जो कुछ हॉजस ने लिखा है वह जरूरी तौर पर विश्वसनीय भी तो नहीं हो सकता। यदि इस सिद्धांत को मान लिया जाए तो कनैत शब्द किरात से भी काफी निकट आ जाता है और कहा जा सकता है कि कनैत शब्द किरात से बिगड़कर बना है। परंतु वृहत संहिता ने किरात और खश जातियों के साथ साथ ही कुनट जाति का वर्णन करके किरात से कनैत बनने की गुंजाइश भी कम कर दी है, क्योंकि देखा जाए तो शब्द कनैत शब्द कुनट से अधिक निकट है, जिसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। जनरल कनिंघम ने कनैत जाति की उपजातियों की भी खोज की है और उस खोज का संबंध गढ़वाल में पाई जाने वाली निम्नलिखित कनैत उपजातियों से बताया गया है, पद्माइक अर्थात पदम से, अनाइक अनु से, कदाइक कदु या कद्रु से, भजाइक भजु से। उपर्युक्त शब्द पदम अनु कद्रु और भजु में से अनु और कद्रु जनपदों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जिनमें से अनु जनपद को तो अवश्यमेव कोलारियन नस्ल से स्वीकार किया गया है। कद्रु जनपद भी कोलारियन नस्ल से ही प्रतीत होता है। पदम और भजु के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और यदि ये भी छोटे छोटे जनपद किसी समय हो तो असंभव नहीं। यदि अनु और कद्रु जनपदों के आधार पर अनाइक और कदाइक कनैत उपजातियां अस्तित्व में आईं, तो हैमिल्टन और हॉजसन के कथनों की किसी हद तक पुष्टि हो जाती है कि कनैत जाति कोल और आर्यन या किरात और आर्यन नस्ल के लोगों के पारस्परिक संबंध से पैदा हुई है। परंतु स्थानीय भाषा की छानबीन करने से इस बात की पुष्टि नहीं होती, क्योंकि कोल या मुंदा भाषा के बहुत कम शब्द साधारण लोक भाषा में मिलते हैं। यद्यपि रीति रिवाज और परंपराएं काफी समानता रखती है, जैसा कि पिछले कोल और किरात के उल्लेख में आ चुका है। शिमला हिल्स और गढ़वाल के इलाकों में मंगल चौहान और राव भी कनहत जातियां हैं। राव और रावत एक ही उपजाति के नाम हैं, जिन्हें कुल्लू में लोग अनजाने से राहु कहते हैं और एक सामान्य विचार के अनुसार राहु और खश को ही मूल बरादरियां माना जाता रहा है। हमारी खोज के अनुसार राहु लोगों से अभिप्राय उन लोगों से है जिन्हें मैदानी इलाकों में और खासकर हरियाणा में राव कहा जाता है और गढ़वाल और शिमला हिल्स में रावत कहा जाता है। परंतु ऐतिहासिक अनुसंधान के सिलसिले में जितनी भी खोज आज तक हो सकी है, इसमें इन छोटी छोटी उपजातियों को ये महत्व नहीं दिया गया है और साधारणता कोल किरात और खश का ही वर्णन आया है। और 1871 में जब पहली जनगणना हुई तब कनैत शब्द सरकारी रिकॉर्ड में जाति के रूप में दर्ज किया गया। स्पष्ट है कि खश और राहु के नाम से जाति या बरादरी का होना संभवतः बहुत पहले से समाप्त होना आरंभ हुआ था और ये दोनों शब्द न जाने अतीत के धुंधले में कब लुप्त हो गए और तब सबके मेलजोल से एक सांझी बरादरी अस्तित्व में आई जिसका नाम कनहत पड़ा और जिसमें सभी जात बरादरियों के लोग धीरे धीरे शामिल होते गए और इस तरह एक बड़ी बरादरी कश्मीर से गढ़वाल तक बढ़ती फैलती और पनपती रही। 1871 की जनगणना के अनुसार कुल्लू में 58.5, लाहौल में
76.5 और स्पीति में 95.1% आबादी केवल कनैतों की थी। 1891 के जनगणना के अनुसार कुल्लू की जनसंख्या 107,436 थी, जिसमें 61,665 कनैत लिखे गए थे। युग परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव देखिए कि जो खश जाति किसी समय बाकी सब जातियों से समाज में कदरे श्रेष्ठ स्थान रखती थी और जो द्विज कहलाती थी, आज वह उस बड़ी कनैत बरादरी के साथ एक उपजाति बनकर रह गई है। यहां तक कि कुछ विद्वानों ने तो राहु या राव के साथ साथ खश जाति को पूर्णतः कनैत जाति की उपजाति स्वीकार कर लिया है। खैर, उपर्युक्त व्याख्या और वर्णन में कितना भी भेद क्यों ना हो, भले ही खश और राहु पहले थे या कनैत पहले थे, एक बात पर तो लगभग सभी विद्वान सहमत है कि कोल, किरात और खशों के साथ साथ या उनके थोड़ी देर बाद जैसी भी परिस्थितियां हुई हों, कनैत नाम की ये बरादरी अस्तित्व में आई, जो एक सांझी संस्कृति की द्योतक थी। और इस बात पर तो पूर्ण सहमति है कि कनैत खेतीबाड़ी पर आश्रय रखने वाली एक काश्तकार श्रेणी है, क्योंकि जिस प्रकार के लोगों को कुलिंद या कुनिंद, राव, रावत, बहाती, गिर्थ, चाहंग, राहु, खश, मंगल, चौहान आदि कहा गया, उसी तरह के लोगों को कनैत कहा गया है। यह सब लोग जमींदार और काश्तकार हैं। इसीलिए हम इस अंतिम निर्णय पर पहुंचते हैं कि जमीन खोदने के पेशे या धंधे के आधार पर कनैत शब्द खनैत या खनैत शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। प्राकृत में खोदने के लिए खनन शब्द प्रयुक्त होता है और कुल्लूवी भाषा में भी खोदना ही कहते हैं। इसी आधार पर काश्तकारों या जमीन खोदने वालों को खनैत या खनैत कहा जाना नितांत उचित है, और फिर खनैत से कनैत शब्द का प्रयोग में आना और प्रयुक्त होना भाषा विज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल ठीक प्रतीत होता है। खनन शब्द क्रियावाचक है, जिससे शब्द खनैत बनना बड़ा उचित है। यदि ठकराइयों में रहने वालों को ठकरैत कहा जा सकता है, तो खनन करने वालों अर्थात खोदने वालों को खनैत कहना क्यों कर स्वीकार्य नहीं हो सकता। जिस युग की कहानी हम लिख रहे हैं, उसकी हल्की सी कल्पना भी हम करें, तो हमें ज्ञात होगा कि उस समय मनुष्य का गुजारा और जीवन का सारा आधार या शिकार पर होता था, या फिर सभ्यता के एक चरण आगे बढ़ने पर पूर्ण आश्रय केवल खेतीबाड़ी पर ही था। आबादी कम थी और भूमि अनंत। जहां जिसका जी चाहा उसने जंगल साफ किए, पत्थरों और चट्टानों को तोड़ा और जमीन खोदकर उससे अन्न पैदा करके आजीविका का साधन बना लिया। उस समय पेट भरने और शरीर को ढांपने के अतिरिक्त दूसरी कोई बात मनुष्य के मन और मस्तिष्क में थी नहीं। इसलिए जमीन खोदकर काश्त करने का काम ही संभवतः सबसे अच्छा आजीविका का साधन था, तथा अधिकतर मनुष्य जिनमें खश, राहु, कोल, किरात सभी शामिल थे, जमीन खोदने में लग गए और इस तरह खोदने वालों की एक बरादरी अर्थात खनैत अस्तित्व में आई। आबादी बढ़ने के साथ साथ ये लोग आगे पीछे दाएं बाएं बढ़ते गए और जहां भी जिस कबीले को अच्छी जगह दिखाई दी, वहीं उसे खोदकर आबाद करना आरंभ किया। और इस तरह ये बरादरी कश्मीर से आसाम तक और सप्त सिंधु के मैदानों में आगे बढ़ती गई और इनके नामों में भी भेद आता गया। उदाहरणार्थ, ये बरादरी जब त्रिगर्त यानी वर्तमान कांगड़ा में आबाद हुई, तो उन्हें बाद में गर्तिया कहा जाने लगा, जिससे बिगड़कर शब्द घिर्थ बना है। यह असल काश्तकार बरादरी है जिन्होंने सबसे पहले उन तराई की जमीनों को आबाद किया। आगे चलकर इन्हीं को बहाती कहा गया, क्योंकि अब खेती बाड़ी का काम खोदने की मंजिल से कुछ आगे बढ़कर बहाने की मंजिल तक पहुंच गया था। स्थानीय भाषा के अनुसार बहाने का अर्थ हल चलाना है, हल चलाकर खेती को तैयार करना। इसी आधार पर जो ब्राह्मण और राजपूत हल और बैल से खेती चलाने लगे, उन्हें हलबाहा कहा जाने लगा। स्पष्ट है कि खेती बाड़ी का काम आरंभ में जमीन खोदने से शुरू हुआ है। तब न हल थे न बैल थे, और यदि बैल थे भी तो उनसे खेती का काम नहीं लिया जाता था।
क्योंकि आरंभ में काम तो जंगल काटने, पत्थरों और झाड़ियों को खोदकर जमीन साफ करने का ही था। पुराणों में भी वर्णन आया है कि सबसे पहले राजा पृथु ने, जिसके नाम पर इस संसार को पृथ्वी कहा जाता है, इस सारी जमीन को खोदकर बराबर किया और फिर इसे खेती बाड़ी और रहन सहन के योग्य बनाया। इससे भी सिद्ध होता है कि आरंभ में खेती बाड़ी खोदने के कार्य से हुई है और तब जिन लोगों ने इस पेशे को अपनाया उन्हें अवश्य ही खनैत कहा जाने लगा। हो सकता है कि कुछ लोगों ने बाद में अपने हाथ से जमीन न खोदकर दूसरों से काम करवाना आरंभ किया हो और इस तरह समाज में कुछ लोग अपने आप को उच्च स्तर में रखकर शेष अधिकतः आबादी को ही खनैत कहने लग पड़े हों। कुछ भी हो, जमीन खोदने वाले ये खनैत लोग प्राचीन युग के वे परिश्रमी लोग थे जिन्होंने हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर सप्त सिंधु की तराइयों तक के भूखंड को न केवल आबाद किया बल्कि उसे हरा भरा करके सुंदर, मनोहर और आजीविका के लिए उचित साधन बनाया तथा तभी संभवतः इस लकोक्ति ने जन्म लिया कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखिद्ध चाकरी, भीख नदान। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर पंजाब और हरियाणा के मैदानों तक हरे भरे लहलाते हुए खेत प्राचीन युग के उन खनैत लोगों के परिश्रम, साहस और प्रयत्नों के परिणाम है। क्योंकि आरंभ में भाषा प्राकृत थी इसलिए प्राकृत का शब्द खनन और उससे बना हुआ शब्द खनैत हिमालय की ऊंचाइयों में तो वैसे ही प्रचलित रहा। यद्यपि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन यह जरूर हुआ कि खनैत से कनैत शब्द आम प्रचलित हुआ और अब तक लोगों की याद में बाकी है। उपर्युक्त व्याख्या की रोशनी में शब्द कनैत निसंदेह कोई जाति नहीं बनती बल्कि मनु के वर्णाश्रम धर्म के प्रभाव में आने से पहले, बहुत पहले जब संस्कृति का पहला दौर आरंभ हुआ और जब मानव ने भूमि से अन्न उगाकर पेट पालना आरंभ किया, उस समय की उस खोदने वाली श्रेणी को जिन्हें बाद में काश्तकार और जमींदार कहा गया या संस्कृत के शब्द कृषक से किसान कहा गया, कनैत नाम दिया गया था। यदि मजदूर, काश्तकार, किसान, खेत मजदूर, लेबर और मुजारा कोई जाति नहीं है तो अवश्य ही प्राचीनतम युग के जमीन खोदने वाले खनैत या कनैत लोगों की यह जाति नहीं हो सकती, बल्कि कनैत शब्द किसी धंधे, पेशे या कारोबार से संबंध रखता है। भले ही किसी समय माल के कागजों में शब्द कनैत को जाति के खाने में दर्ज किया गया हो और भले ही यह शब्द परंपरानुसार लोगों में एक बरादरी के रूप में अपना लिया गया हो, सच्चाई ये है कि शब्द कनैत की जो व्याख्या ऊपर की गई है वही सामान्यतः स्वीकार्य, उचित और स्पष्ट प्रतीत होती है।